जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। तो उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे। उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पर इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रिजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है, न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, दो दो दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं तीन तीन दशक के बाद। तो स्थिति बदली है, नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है। सर, क्या लगता है उस समय कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही कार्रवाई जो मुख्तार अंसारी पे आपने की, और आज जिस तरह से आपने कहा न्यायालय में निर्णय आ रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से है, उस समय अगर वो ऐसा रहता तो क्या उस समय मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो सकती? नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ, तो हमको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमको तो, हम ड्यूटी है मेरी, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आम सम्मेलन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाह ले तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहाँ भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, हम बचेंगे नहीं। आपकी कार्रवाई के बाद फिर आप पे दबाव बनाया गया? वही, क्या दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है। तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुँचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। तो मैं बाहर आके इस चीज़ को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार की जान जोखिम में डाला। स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकालिए अपने यहाँ से, किराए का मकान नहीं मिलता था,
रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहाँ से खाली करना पड़ता था, तो ये सब चीज़ें देखी। लेकिन अब उस पर ज़्यादा नहीं बोलना है। हाँ, ये है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। 20 साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा। डर, जो डर दूसरों पर कायम किया था, वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई। सर, कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बवाल हो सकता है, माहौल ख़राब हो सकता है। मैं एज ए जो पुलिस का अनुभव मेरे पास है, शासन प्रशासन का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि लोगों को मालूम है कि अगर हमने कानून हाथ में लिया तो सरकार सख्त है, हम पे कार्रवाई हो जाएगी, और कोई नहीं ये सब करना चाहता है। वो तभी करते हैं जब शासन प्रशासन का सह होता है। अगर सह न रहे ना तो हिम्मत नहीं है कि एक पत्ता भी खड़ा गया। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कहीं कुछ नहीं होने वाला। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।